हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवाज भसीन पे। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि 31 दिसंबर को हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या एनालिसिस करके चलनी है, कौन से स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। सो गाइस, अब हमें देखना है कि जनवरी की एक्सपायरी स्टार्ट हो गई है, जनवरी की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो हमें किस तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए और क्या मार्केट नए हाइज बना सकती है। जिस तरीके से हमें लग रहा है कि 11,200 तक मार्केट को जाना चाहिए और जो मेरी प्रिडिक्शन थी और जो चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि 11,170 तक मार्केट जा सकती है, क्या वो पॉसिबल हो सकता है जनवरी की सीरीज में या नहीं हो सकता। सो गाइस, कल कौन से स्टॉक्स हैं, यानी कि जो मंडे के कौन से स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ और निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस बताने वाला हूँ मंडे के मार्केट के इंट्राडे में। और गाइस, अब हम बात करेंगे कि जो जनवरी की एक्सपायरी आ चुकी है, तो उसमें पूरे महीने या पूरे मंथ में कौन सी ऐसे ऐसे न्यूज़ आने वाली है जो हमारी पूरी मार्केट को फैक्टर कर सकती है। तो गाइज, उसकी भी मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ और जो हमारा नेक्स्ट वीक है वो कैसा रह सकता है, हमारी जनवरी एक्सपायरी का जो फर्स्ट वीक है वो कैसा रह सकता है, कौन से स्टॉक्स उसमें भी चल सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और गाइज, जनवरी की एक्सपायरी में ऐसे 3 स्टॉक्स मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ जो टेक्निकल चार्ट में बहुत स्ट्रांग है और आपको इस जनवरी एक्सपायरी के अंदर अंदर ही बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो गाइज, वो वीडियो भी आपके साथ कल ही जल्द अपलोड हो जाएगी। तो गाइज, अभी हम बढ़ते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जो हमें बाय करके चलने चाहिए। इन्फोसिस, M&M, इंडिको, LIC हाउसिंग फाइनेंस और उज्जीवन। इन्फोसिस सेल करने की सलाह दी जाएगी आपको 650-642 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करना है 664 का करना है। M&M बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको इसमें 810-814 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपको 799 का मेंटेन करके चलना होगा। 806 का आपको बाइंग लेवल दे रखा है M&M में। इंडिको शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी आपको 1168-1155 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपको 1188 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा इंडिको के अंदर। LIC हाउसिंग फाइनेंस शॉर्ट करने की सलाह 482-476 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपको 497 का मेंटेन करना होगा। उज्जीवन आपको 224 के अबव उज्जीवन को बाय करके चलना है। चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, अगर 225 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो बहुत बढ़िया पैटर्न इसमें भी डेवलप हो जाएगा। 227-231 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपको 218 का मेंटेन करके चलना पड़ेगा। सो गाइज, अब हम बढ़ते हैं कि कौन से चार्ट्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स में हमें क्या दिख रहा है और हमें मंडे के मार्केट में क्या ट्रेड लेना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। तो बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ। निफ्टी फिफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया तो आप यहाँ गाइज देख सकते हैं कि आपको ये ट्रेंड लाइन्स तो पता ही होगी, मेजर शेप पैटर्न जो मैंने बना रखा है और जो सपोर्ट ले रखा था, तो एक फॉल आया था, हमने देखा था 2 बार डिक्लाइन का एक फॉल आया था। इस डिक्लाइन में इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया था जो इसका लॉन्ग टर्म हम कह सकते हैं सपोर्ट है अगर हम ट्रेंड लाइन्स को मैच करते हैं। और गाइज, जो दूसरा सपोर्ट लिया था वो लिया था इसने 50-डे मूविंग एवरेज के अंदर। अब गाइज, हमें देखना है कि जो एक हर्डल बनती आ रही है, वो हर्डल बनती हुई आ रही है जो 200-डे मूविंग एवरेज और 100-डे मूविंग एवरेज है उसके बीच के अंदर। और सबसे बड़ी बात जो हमें एक मार्केट सजेस्ट कर रहा है कि एक पॉजिटिव वे में पता चल रहा है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर, स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर, वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि टॉप से लेकर लो तक जो इसने बनाया था, जो इसकी मूवमेंट रही थी निफ्टी बैंक निफ्टी का, उसका 50% रिट्रेसमेंट और 61% रिट्रेसमेंट को क्लोजिंग बेसिस में ऊपर तोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर। अगर वो बाई चांस उन्हें तोड़ देती है तो हम कह सकते हैं जो हमारे प्रीवियस हाईज थे, जो हमारे जो हाईज बने थे 11,170 समथिंग के गाइस, उसे भी मार्केट ब्रेक कर देगी। सो गाइस, अब हमें देखना है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है। तो अगर मैं आपको निफ्टी 50 का चार्ट हाली चार्ट्स में लेकर चलता हूँ तो आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रही है। गाइस, आप देख सकते हैं कि 50% का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट तो करती है, 50-डे मूविंग एवरेज पर कंसोलिडेट तो करती है, पर उसके बाद ऊपर अपमूव ले लेती है। हम जो हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो टेक्निकल चार्ट्स नहीं देख पाते, वो सजेस्ट यही करेंगे कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है पर अब यहाँ से एक फॉल ले सकती है। पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से एक जंप लिया, उसके बाद चार जो हम कह सकते हैं 4 कैंडलस्टिक्स या 5 कैंडलस्टिक्स जो हैं आली चार्ट में, वो यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है। अब हम उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। सो गाइस, अब एक मेन पॉइंट यह है, हमें समझने को आता है कि जो 50% रिट्रेसमेंट है जो टॉप से लेके मिड तक, यानी कि अगर 150 से लेके 75 तक की जर्नी हमें देखने को मिली है, तो जो उसका मिड पॉइंट है वहाँ पर जाके जो इंडेक्स है वो बार बार रुक जाता है और उसके ऊपर निकल पाता है, तो वहाँ से वापस हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाता है जो कि आपको यहाँ पर देख ही रहने को मिल रहा होगा।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मार्केट कितना कंसोलिडेट करा था, नीचे आ गया था, उसके बाद जंप लेके उसे ब्रेक तो ज़रूर कर दिया था, पॉजिटिव वे में इसने ब्रेक करा था, पर वापस एक सपोर्ट इसने वही लिया। पहले ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, उसके बाद देख सकते हैं ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था, पर जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हुआ हम वापस एक फॉल में आ गए थे। गाइस सेम वही हाल हो रहा है कि अब हमें देखना है कि 10,900 का अगर लेवल वो मार्केट क्रॉस कर देती है और अगर उसे क्लोजिंग बेसिस के अंदर 3 दिन तक उसके ऊपर क्लोज हो देती है। गाइस 3 दिन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक दिन मार्केट उसके ऊपर क्लोज दे देती है, दूसरे दिन रिएक्शन आता है कि मार्केट साइडवेज हो गई, फिर हमें तीसरे दिन पता चलता है कि मार्केट किस तरफ मूवमेंट दे सकती है। सो गाइस अब हमारा जो मेन पॉइंट है कि वो है कि 10,900 के ऊपर क्लोजिंग मार्केट को देने के लिए। अब मैं आपको एक चीज़ और शो करना चाहूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। मार्केट ऊपर जा रही है, फिर एक फॉल आता है और फॉल के बाद दोबारा मार्केट ऊपर जाती है, और मार्केट जब ऊपर जाती है तो इसका जो प्रीवियस हाई होता है उसको ब्रेक कर देती है और वापस नीचे आती है, तो प्रीवियस जो लो है उसको ब्रेक नहीं करती, यानी कि हायर टॉप्स लोअर बॉटम्स बन रहे हैं। यह हमारी मार्केट के लिए एक अच्छी बात है, अगर हम कह सके कि मार्केट वापस प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है तो मार्केट वापस 11,000 की तरफ बढ़ सकती है और 11,000 को शायद तोड़ भी दे। फ्यूचर तो तोड़ चुकी है पर शायद निफ्टी इंडेक्स खुद ही तोड़ दे, तो वो एक देखना हमारे लिए अच्छी बात होगी। अब हम बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कि इसने बहुत अच्छी मूवमेंट दे रखी है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50, क्योंकि 50% को ये बहुत अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है। क्लोजिंग बेसिस की भी अगर मैं बात करूँ तो एक दिन इसके नीचे क्लोजिंग देता है पर होल्ड करके इसके ऊपर हम मूव देख लेते हैं, पर जो इसके लिए मेन हर्डल है वो है 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल। गाइस आप देख सकते हैं कि मार्केट इसके ऊपर तो चली जाती है पर वहाँ पर रुक नहीं पाती है, वापस मार्केट को एक डिक्लाइन देखने को मिल जाता है। अब हमें देखना यह है कि मार्केट 61% रिट्रेसमेंट लेवल को क्लोजिंग बेसिस में क्लोज कर पाएगी 2 दिन तक या नहीं कर पाएगी। तो मैंने भी आपको अपने ट्रेड्स में, जो मेरे क्लाइंट्स थे, मैंने भी उन्हें एक ट्रेड दिया था SBI के अंदर कल के मार्केट पर, और हमने उन्हें एग्जिट करवा दिया था क्योंकि मैंने उन्हें मैसेजेस कर दिए थे कि 27,230 या 240 का जो लेवल है वह शायद अभी मार्केट क्रॉस ना कर पाए और हमें एक डाउनफॉल देखने को वहां से मिल जाए, और एग्जैक्ट वही हुआ। अब उसका रीज़न कैसे था वो मुझे कैसे पता चला, गाइस आली चार्ट में चलते हैं। आली चार्ट में आप देख सकते हैं कि जब मार्केट ओपन हुई तो मार्केट ने 212 का एक हाई मारा था और वहाँ से उसको टेस्ट करके वापस नीचे आ गई, तो एक स्ट्रॉन्ग हमें रीज़न पता चल गया था कि मार्केट अगर 27,200 के ऊपर हमें मिलती है, 27,220 के आसपास मिलती है तो क्लियरली मार्केट को शॉर्ट करना है। इंट्रा डे बेसिस की मैं बात कर रहा था ना कि पोजिशनली, तो गाइस इसमें भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, हम यहाँ से एग्जिट कर गए थे, पर ये कुछ पॉइंट्स के लिए था तो हमने हैवी लॉट्स बाय कर रखे थे। सो गाइस अब हमें देखना है बाकी ये है कि मार्केट इसके ऊपर अगर निकलती है तो सबसे मेन रेजिस्टेंस तो मार्केट के लिए होगा वो ये होगा गाइस, जो है कि 27,350 का लेवल। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलने की क्लोजिंग देती है और शार्प मूव देती है तो शायद मार्केट एक शार्प मूव के थ्रू 27,350 परसों के ट्रेडिंग या कल के ट्रेडिंग सेशंस में भी जा सकती है। तो भाई बैंक निफ्टी और निफ्टी में आपको मैंने ये तरीका समझा दिया कि किस तरीके से वर्क करना चाहिए, और अगर आप रिट्रेसमेंट ही बना लेंगे तो आप भी समझ जाएंगे किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। गाइस जनवरी एक्सपायरी में मैं आपके इस चैनल के अंदर बहुत सी वीडियोस ऐसी अपलोड करने वाला हूँ जो आपको बहुत बेनिफिशियल देगी। सो गाइस तो सबसे पहले आप मुझे इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी नई नई चीज़ें सीखनी है जो आपको स्टॉक मार्केट में हेल्प कर सकती है, और क्या क्या आपके पॉइंट्स हैं जो मैं इस यूट्यूब के अंदर रखूँ जो आपको क्लियर कर सके, और कौन सी वीडियोज़ मुझे अपलोड करनी चाहिए जिससे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सके, तो कमेंट सेक्शन के अंदर इस वीडियो के अंदर मुझे बताना ज़रूर बताइएगा और मैं उसकी सेम वीडियो बनाऊंगा। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन हर दिन इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। सो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको किस तरीके की वीडियोस और चाहिए, और कौन से नई चीज़ें मैं आपके लिए साथ लाते रहूँ जनवरी सीरीज़ में कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे कल नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।